बता, ऐसा कौन सा फल है जो बाजार में नहीं मिलता? ये सुबह सुबह का क्वेश्चन है, 7 बजे का, बता। वेरी गुड क्वेश्चन। चाय पीते पीते जल्दी बोलो। करम का फल? करम का फल नहीं। गाइस मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ ऐसा कौन सा फल है जो बाजार में नहीं मिलता? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ओके तू भी बता दियो अगर तुझे पता चल गया, चल जाए तो। मेहंदी मतलब सिर्फ एक मेहंदी लगा ली और मतलब हाँ वही गाने, हाँ, नाच गाने। और हल्दी, हल्दी पर भी कुछ नहीं, हल्दी चढ़ेगी लड़की को और बस। हाँ ठीक है। हमारे यहाँ तो लड़की की मम्मी को भी चढ़ती है। अरे सुन भी लो, लड़की की मम्मी को भी चढ़ती है। गुड मॉर्निंग गाइज, मुझे अपने वो ड्रेसेस लेके जानी है और उनको फिटिंग के लिए दोबारा देकर आना है। मेरा मूड खराब हो गया रात यार, क्योंकि शादी बहुत पास आ गई है और जो ड्रेस भेजी उसकी फिटिंग ठीक नहीं थी। अभी सबसे पहले तो यही काम निपटाना है अपना। तो दोस्तों आज हम लोग अकेले नहीं है, हमारे साथ दीदी भी होगी और आज की पूरी जर्नी मिस नहीं करूंगा, एक एक ब्लॉग बनाता रहूंगा कंटिन्यूस। आजा, तू क्यों आया कैमरा लेके भाई? चलवाना, तूने ब्लॉग देखा था? अरे ना 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 ना, बस ये तो 3 साल चलाना सीख रही है। इसका खाना पहले जाता है। अब हमारे नीतू के पास और दीदी गुस्सा हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि नीतू अभी तक नीचे नहीं आई और कॉल पे इसको कह रही थी जल्दी आओ जल्दी आओ। दीदी क्या हो गया? बेंच आ जाओ, गुस्सा मत करो ठीक है। लड़ो लड़ो लड़ो, नहीं तो केक मार दे एक बार, मैं बता रहा हूँ। केक मार दे इसके एक बार। जब भी मैं कैमरे में शूट करती हूँ ब्लॉग लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इसको क्लियर होने दो, होने दो। 5 मिनट तो इसी में लग जाते हैं, हद है। अच्छी बात नहीं है, तूने कैमरा शूट करा यार, मजा आ गया। तो सोन दीदी और मैं जा रहे हैं, सोन दीदी का एक्चुअली एक आउटफिट रह गया था तो हम उसी को फाइनल करने जा रहे हैं। मेरा तो सब हो गया है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मेरा सब फाइनल है। बस मैं यार दूसरों की हेल्प कराना पसंद करती हूँ तो मैं सोन दीदी के लिए जा रही हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। ठीक है दीदी, कितना झूठ यार, कितना झूठ, मतलब आप समझ लो उल्टा है ये। लगन दिखाना अब नहीं, जैकेट कैसा खड़ो कर दिखाऊं? गाड़ी में दिखाओ ना, कैसे दिख जाएगी यार, तो मैं तो हैंडसम लग रहे हो। थैंक गॉड मैं आ गया यहाँ पर, मम्मी ने जबरदस्ती मुझे भेजा कि बेटा जाके देख के। मुझे पता है पहले क्या लगता था कि आपने एक बार फिटिंग अगर अपनी दे दी कहीं पर तो फिर एकदम परफेक्ट कपड़े बन के आएंगे, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता। तो अच्छा हुआ मैं आ गया और अभी काफी टाइम है शादी में तो वो चीजें करेक्ट हो जाएंगी एकदम। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं दिल्ली में, जहाँ पर मेरे कपड़े ठीक होने वहाँ पर देने, और नीतू और दीदी का भी कुछ सामान था वो भी लेकर आया है यहाँ पर। मैं थोड़ा जल्दी काम फिनिश करके मैं चलूंगा बुलंदशहर, क्योंकि मुझे भाभी कार जैसे देके आने। ये दोनों इधर शॉपिंग पे लग गए आते हैं। नीतू कैसा लग रहा था? मैं बस थोड़ी सी फिटिंग ठीक करानी है ना दीदी, देखो अच्छा लगा ना सही में। हाँ। चले अब यहाँ से, चलो मैं चला जाता हूँ बुलंदशहर, तुम लोग अपना शॉपिंग कर लो। सिर्फ सोनी दीदी और मैं ही है शॉपिंग पर, लखन को हमने भेज दिया है। क्योंकि सोनी दीदी क्या बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग। किस चीज में दीदी? खाना खाने लग जाएगा, भूख तो अभी आपको भी लग रही है, मेरे लक्ष्य को कुछ मत बोलो समझी, आपसे भी प्यार है मुझे, मगर लखन से ज्यादा है ना, मेरे से ज्यादा है। यहाँ से दीदी को खानी है मैगी तो मैंने खिला रही हूँ दीदी को। मैं चला घर की ओर, अब मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, इसमें से मैंने लंच लिया है और मैं जाऊंगा दूसरी वाली कार में। लंच नीतू का था, अब मैं ना बाहर का अवॉइड करूंगा जब तक हो सकता है, शादी शादी तक तो एटलीस्ट ही आ गया खाना, चलते हैं। मैं खाने वाला हूँ पराठा विद अचार, मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है। सोनी दीदी मेरी शॉपिंग हो गई है यहाँ पर डन, सोनी दीदी मुझे बहुत ही प्यारा सा सूट दिलाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सोनी दीदी मुझे ये गिफ्ट दिया है, बोला था कि मेरे बर्थडे पर उन्होंने कुछ नहीं दिया, मजा करियो। साइज से है बहुत ही सुंदर है, ये मैं शादी की पति बनूंगी ऑब्वियसली। तो दीदी अब आप कहाँ जाओगे, ऑफिस या फिर घर? तुम्हारे साथ जाओ, अभी तुम जाओगे? नहीं नहीं, अब आपका और मेरा सफर यहीं पे खत्म होता है, अब आप जा सकते हो। दीदी कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय। आज नहीं होंगी, कल होंगी। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ घर पर, अब यहाँ से मैं और करण जाएंगे बुलंदशहर। दीदी अभी भी नीतू के ही पास है। सोन दीदी चली गई है और मेरी बहन आ गई है, इतनी खुश, तू इतनी खुश क्यों है? खुश हूँ मैं यार। हम लोग आज स्टे करेंगे यहीं पर तो ये बैग्स लेकर आ गई है। कुछ भी अकेला हो गया, चल तू रात में चले जाइए फिर उसके पास। तो अब मैं और करण निकल चुके हैं बुलंदशहर के लिए। अंकल कार्ड है ना गाड़ी में? कार्ड रखे अंकल गाड़ी में? चलो ठीक है, क्योंकि पापा ने अच्छा काम ही किया, सब गाड़ियों में कार्ड रखे हुए ताकि कोई भी गाड़ी लेके चले जाओ, ऐसा ना हो कि यार कार्ड तो उस गाड़ी में थे इधर थे उधर थे, तो ये बड़ा वाइज डिसीजन था। अब करण क्या इसका पूरा नाम है? करंट, इसको बोलते हैं करंट, ये करण है ना, करंट बोलते थे पापा इसको, बहुत एनर्जी है इसमें इसलिए। सब आ चुके हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए, मम्मी को हमने, मम्मी किसी की महिला संगीत में बैठी थी, उठाया वहां से, चलो चलो। हाँ संगीत में थी मम्मी, डांस कर रही थी, एकदम खींच के लाई हूँ मैं हाथ। इतनी ठंड है नहीं जितने मैंने मान ली है, और इतनी गर्मी है नहीं जो मैं मान नहीं सकती। अरे कहना क्या चाहते हो? ठंड लग रही है दिव्या दीदी, तेरे को कमेंट आया था कि दिव्या दीदी का चश्मा चेंज करवाओ। क्या तकलीफ है इनको? आई स्वेयर प्लीज कर ले, बहुत ही बेकार लग रहा सच में। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले आए अपने यमुनापुरम वाले घर पर, क्योंकि यहाँ बाबूजी हैं। बाबूजी कैसे हो? सही। बाबूजी जैकेट तो मेरी है वाली। ये मेरी है। कौन ये वाली तुम्हारी है? चेंज बदल लो, बदल लो, तुम ये मुझे दे दो, ये वाली तुम ले लो, बताओ ये कौन सी क्या। तो दोस्तों आज मैं बाबूजी के
पास बहुत दिन बाद आया हूँ। बाबूजी मुझे बुलाते रहते हैं लेकिन अब मैं प्लान नहीं बनाता क्योंकि जब भी प्लान बनाता हूँ तो हो नहीं पाता। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। देखो दो बार डायरेक्टली आ गया बिना बताया तुम्हें। इससे पिछली बार नहीं आया जब तुम ऑफिस पे बैठे हुए थे, भूल गए। अभी पता क्या हुआ, अभी बाबूजी के ना यहाँ पे वो पलक आ रही थी तो मैंने बाबूजी से एक विश मंगवाई है। बाबूजी क्या विश मांगी अभी तुमने भगवान से? लखनकी को 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए मैंने बाबूजी से बोला, बाबूजी विश मांगो और उड़ा दो। 20 करोड़ रुपए मांगे बाबूजी ने। मैंने तो 6 करोड़ बोला था तुमसे, 20 में से 10 तुम्हारे 10 मेरे। ठीक है, लाओ हाथ पे ताली। ये बात ठाकुर साहब, लाओ कुछ पैसे दो, मैं कुछ खा के आऊंगा। लाओ इसमें तो पूरे में दवाई दवाई है यार, पैसे कहाँ है निकाल। और तुम्हारी इतने सारे नशे, भाई इतना ना खाता हूँ मैं। ये मेरे घर जाकर, घर पर जाकर मेरे गुची मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। तुम व्लॉग बनाने आए हो ना उधर, छोड़ दो उसे। मैं गुची को भड़काया हूं तुम्हारे खिलाफ। गुची गुची बेटी, गुची मम्मा तो लेके जाएंगी गुची को। डुम्मी डुम्मी, आपने रिकी को देखा कितना चालू है, उसको कहीं व्लॉग का कंटेंट नहीं मिल रहा होगा तो वो वहां पर पहुंच गया। इतना चालू है ये लड़का, बता नहीं सकती। अब गुची को घुमाने लेके जाओ, मैं तुम्हारे ऑस्कर को घुमाने लेके जाती थी ना गाड़ी में, गुची को लेकर जाओ आप। जाओ घुमा के लाओ इसको। बाय बेटू। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पर और यश ने भी रील बनाई मेरे साथ काफी सारी। यश रील भी बनाने लगा, वाओ ग्रेट। लेकिन घर पर आकर मैं देख रहा हूँ पूरे रूम का मैस हो रखा है। आई डोंट नो मेरे बाद कौन मेरे रूम में आके सोता है। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम भी यश का कैमरा इधर ही था। विकी यही तू कह रहा था कि मेरे घर में रूम में पड़ा हुआ है और अब भी इसका ही है। तो उसने आज क्या ही व्लॉग बनाया होगा भगवान जानते है। बस विकी कैमरा कहाँ तेरा? नीचे। नीचे कहाँ पे? मेरे रूम में। व्लॉग बनाया फिर आज कुछ? हो नहीं जानता हूँ। तो हो गया। किससे बनाया, कैमरा से फोन से? दोनों से बनाता हूँ मैं। अगर कैमरा आज किससे बनाया? दोनों से। आज तेरा कैमरा जो है ना सुबह से विक्की के रूम में आई, समझ? झूठ कम बोला तुझे, ये तक तो पता नहीं है कि तेरा कैमरा है कहाँ। और फिर तू बोल रहा झूठ। विक्की सुन, आई मैंने पूछा तेरा कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा मेरे रूम में। मैंने कहा कैमरा से कुछ बनाया? हाँ सुबह से यहाँ पड़ा है। मैंने कहा मैं दोनों से सुबह से बनाई थी, अब दिन भर में फोन से बना रहा हूं। अरे भगवान से डर, भगवान से। हाँ बम्बू। हाँ मैं। मम्मी सुनो, हम तो आज आपके लिए बुलंदशहर में रुके है कि मम्मी मिलेंगी, और मम्मी तो हमसे पहले आ गई हैं। तू मिलने मेरे पास आया? तू आता तो जब ही जब आन देती, हम तो बाबूजी के पास बैठे हुए। ये तूने ये कही हो मैं साथ चलूंगा? अरे भाई मैं बाबूजी के पास बैठा हुआ, मुझे लगा मैं आपके पास जाऊंगा। बोलेगा तो कुछ, जब ही तो समझूंगी, ऐसे कैसे समझाऊंगी भाषा? कैसे बोलूंगा ये बताओ? ऐसे बोलता कि मैं साथ चलूंगा? अरे अरे आप तो समझा करो, जज्बात समझा करो आप। अच्छा हर चीज बातों से नहीं कही जाती, प्यार मोहब्बत की बात नहीं। अब जज्बात तू समझ ले। प्यार करो। मैं ये सोच रही हूँ थक रही हूँ तो निकल जाए यहाँ से। ओके अब तू समझ ले जज्बात। ठीक है भाई ठीक है। दिव्या देवी के कुछ कपड़े तो मेरे को फाइनल लग रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं। यार इतने सारे फंक्शंस हैं कि पूछो मत, हल्दी संगीत मेहंदी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब दिव्या देवी और पूनम दीदी के ना कपड़े मैं बाद में शादी के बाद मैं पहनूंगी। मैंने बोल दिया इनको कि तुम्हारे कपड़े ना मैं पहन लूंगी शादी के बाद, तुम एक बार ही पहनो। और मैं उसमें ना थोड़ा जैसे शादी के बाद होता है ना कि डिनर के लिए जाते हैं, लंच के लिए किसी घर जाते हैं, तो मैं इन्हीं के कपड़े पहन के जाऊंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार आप। क्या मजाक करें, तो अभी हम कपड़े दे रहे हैं और रात के 7 बज चुके हैं। बहुत मुश्किल है यार शॉपिंग करना। शादी में ऐसे ही हमारे घर डेकोरेट होगा क्योंकि बड़ा ही सुंदर लगने वाला है। अब मैं इन दोनों को मैगी खिला रही हूँ, मैंने सुबह खा ली थी, अब तुम्हारी बारी है और मेरी भी। मैगी खाते खाते हम चले घर की तरफ, हमारी हो गई है शॉपिंग आधी, कोई बात नहीं बाकी बाद में करेंगे। मैं घर पर अपने प्यारे बच्चे से मिलने, बाहर सो रहा है जो एडिटिंग वाला रूम है यहाँ पर। बेटा बाय बाय, कल मिलते हैं। गाइज मैं आ गई घर पर वापस और मैंने लखन को ही बताया कि मैं घर पर आऊंगी, मैंने बोला था कि मैं वहीं पर स्टे करूंगी। और लखन का कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब मैंने बोला 2 दिन मुझे दे दो, मैं अपने घर पर स्टे करूंगी। हमारे पास तो वीडियोज ही नहीं है, हम क्या पोस्ट करेंगे, ये वो इतने बहाने, पता नहीं। मैं आ गई लखन। नीतू बिष्ट। हाँ। आज तो सुबह शॉपिंग कर रही थी दीदी के साथ, फिर तू घर गई, फिर तूने घर पर शॉपिंग की, फिर मैं बुलंदशहर चला गया, ठीक है? इसलिए यहाँ पर। और अभी ये सब क्या हो रहा है भाई, ये तू खरीद कर लाई है क्या आज? हाँ ये सारे कपड़े हैं और ये स्टिच कराएंगे। किसके लिए? कुर्ते के कपड़े हैं, भाइयों के लिए, कजन्स के लिए। लड़की वालों के सारे कपड़े हो रहे हैं, मतलब किस किस के हो गए अभी? संदीप का हो गया, मनोज, मतलब सब सारे भाइयों के और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उन सबके। ओके और इसको क्या बीमारी हो गई आज? इसका ब्लाउज खराब हो गया है, मतलब खराब नहीं हुआ है, ये था इसका ब्लाउज। अभी रिवील करते सारी चीजें? नहीं ये पहनेगी नहीं है भाई। नहीं पहनूंगी इसको। इसमें पता क्या था, इसने भैया को बताया कि मुझे बैग चाहिए कुछ चाहिए, ऐसे कर दिया, भैया पे नाम लगा दिया। भैया आपने गलत नहीं, नहीं, इसको पैटर्न वैसे तो भैया मजाक करी, भैया पे नाम नहीं लगा रही है, ये गलती इसी की है और इस ब्लाउज की है। तो मुंह क्यों बना रखा है ऐसा यार? इसने पहन के हर जगह शेयर की जो कि बहुत। कोई बात नहीं यार, होता है होता है, जब विचार अच्छे नहीं होते तो ऐसे ही होता है इंसान के साथ, ठीक है? अच्छा मेरे लेकिन वाला। नीतू एक बात बता, तूने बोला भाइयों के लिए कपड़े बनवा रही, ये तो मुझे साड़ियां लग रही हैं सब। साड़ियां नहीं कुर्ता, ये देखो ये मेरा सूट कितना प्यारा है। तू तो प्यारी लग रही है यार।
वाह अपने गुची नहीं तो इसको भी कुछ पहनवा यार शादी पर क्या पहनेगा ये कपड़े आगे अभी नहीं दिखा सकते गुची गुची बेटा 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 फ्रेंड्स मुझे पता है व्लॉग थोड़ा छोटा था लेकिन दिन काफी बड़ा था और मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज यार मैं इधर उधर था पूरे दिन नीतू आवाज़ लगा रही है घर पर आ चुकी है प्लीज़ लाइक करना मत भूलना कमेंट करना मत भूलना कल का व्लॉग अच्छा होने वाला है बड़ा होने वाला है पक्का बाय